हम इस झांकी के माध्यम से अपनी कुलवी संस्कृति को प्रदर्शित कर रहे हैं कि हमारे जो पुराना खान पान, ज्वेलरी, पहनावा, वेशभूषा सब मतलब इस बात को फॉलो करे। फॉर रशियन टूरिस्ट इज इंडिया इज गिमालाय इज वेरी बेस्ट प्लेसेस। और हिमाचल प्रदेश में आके हमें वाकई बहुत अच्छा लगा है और ये हम चाहते हैं कि हम हर बार यहाँ पे आए और अलग अलग हम प्रदर्शन दें। पर्यटकों का विश्वास हिमाचल प्रदेश की सरकार पर बड़ा है, जिसके कारण पिछले दिनों शिमला में भी हमने विंटर कार्निवल की शुरुआत की और हज़ारों की संख्या में पर्यटक आए, उनका स्वागत किया गया। और आज नए साल के शुभ अवसर पर हम फिर से कुल्लू को अपने पांव पर खड़ा हुआ पा रहे हैं और मनाली फिर से पर्यटकों के स्वागत के लिए तैयार है। मेरा सभी देश विदेश के पर्यटकों से अनुरोध है कि जो जनवरी का महीना है उसमें बर्फ़ तो पड़ती ही पड़ती है, लेकिन फॉग नहीं होती है। जैसे कि दिल्ली में 1 बजे तक फॉग होती है, उस समय यहाँ धूप लगी होती है, तो जहाँ बर्फ़ का भी लुत्फ उठा सकते हैं आने वाले दिनों में और धूप और वॉन फायर का भी आनंद उठा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार उनको इस दृष्टि से उनका स्वागत करने के लिए तैयार है और आए और कुशपन अपने जो है शांति के मनाली की और कुल्लू की इन वादियों में और हिमाचल की इन वादियों में बिताए। आज की रैली में हमने राधा कृष्ण की रासलीला को बताया है, जिससे कि हमें बहुत अच्छा लगा है और हिमाचल प्रदेश में आके हमें वाकई बहुत अच्छा लगा है और ये हम चाहते हैं कि हम हर बार यहाँ पे आए और अलग अलग हम प्रदर्शन दें। और 5 दिनों तक हमारी अलग अलग हमारे जो हैं बहुत सारे होने वाले हैं, जैसे विंटर क्वीन, वॉइस ऑफ कार्निवल और फोक डांस, वेस्टर्न डांस, और हमें बहुत ही मजे आने वाले हैं और हम चाहते हैं कि हम हमारी कलाकारी हम हमारे उज्जैन से जो लेके आए हम यहाँ पे दिखाएं। हम इस झांकी के माध्यम से अपनी कुलवी संस्कृति को प्रदर्शित कर रहे हैं कि हमारे जो पुराना खान पान, ज्वेलरी, पहनावा, वेशभूषा सब मतलब इस बात को फॉलो करे, आने वाली पीढ़ी इस बात को ना भूले। हमारा महिला मंडल का नाम है संघर्ष महिला मंडल। हमारा पूरा महिला मंडल जो है वो नारी सशक्तिकरण के लिए यहाँ पर आज प्रस्तुत कर रहा है। जो हमने झांकी यहाँ पर जो निकली है वो नारी सशक्तिकरण के ऊपर हमने पेश की है। इसमें हम ये दिखा रहे हैं कि जो हमारी जो नारी है वो हर फील्ड में आगे है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे टीचर है, शेफ है, डॉक्टर है और हमारे झांसी की रानी है। अब जैसे हमने मिस यूनिवर्स का किया है तो नारी जो है वो हर फील्ड में, हर क्षेत्र में आगे निकल चुकी है आज की डेट में। Very beautiful, it's very interesting for Russian tourists. It's India, it's Himalaya, it's very best places. It's very interesting festival, it's interesting cultural. Indian, German people, it's very sunny, it's very beautiful people and very interesting traditional. It's very, very good.